हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। इस समय के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। और जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो मैसेजेस कहाँ पर जाने हैं और उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल्स गाइड्स, प्लीज़ बताएं आप जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या उन्हें आप बताना चाहते हो, क्या उन्हें सुनने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ड्रीम बिगर, फर्स्ट कार्ड है आपका ड्रीम बिगर। प्रैक्टिस पेशेंस, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गेट अप। वाओ माय डियर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी डाउनफॉल से आप गुजर रहे हो, ठीक है। या तो गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, या रीसेंट पास्ट में ही ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग कह लीजिए या किसी ना किसी तरह की हार का आपको सामना बेसिकली यहाँ पर करना पड़ा है। तो डिवाइन यहाँ पर अब कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह से लो एनर्जीज में जाने का, ये वक्त नहीं है कि बिल्कुल अपने मन को गिरा देने का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पर वही स्लोगन है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि खड़े होने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके लिए डिवाइन मुझे यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बता रहे हैं, जो कि ये बताती है कि जो होना था वो हो चुका, अब दोबारा से खड़े होने का समय है, एक न्यू बिगिनिंग करने का समय है। ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो भी डाउनफॉल आपने अपने जीवन में देखा है, डिवाइन कह रहे हैं कि इसे अब इसे जो है ना नेगेटिवली मत लो, ठीक है। नेगेटिवली आपने इसको अपने ऊपर नहीं लेना है, और ना ही ये जो भी सिचुएशन हुई है आपके साथ इसको देख करके अब आपको ये थॉट में नहीं लेकर के आ जाना है कि मेरे लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर मैं अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर मैं अच्छे के लिए बेसिकली बना ही नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी अच्छा कुछ होगा ही नहीं, या चीज़ें फिर से ठीक होंगी नहीं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि छोटा नहीं, अब वक्त है बड़ा सोचने का, क्योंकि अब आप एक्चुअल में रिकवर करेंगे। मुझे आपके लिए यहाँ पर हेल्प आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, हालाँकि प्रैक्टिस पेशेंस की एनर्जीज है, कि आपका ना अब जिसे कहते हैं कि वेट करने वाला जो वक्त था ना, अब वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब मैं खड़ा होऊंगा, कब मैं चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करूंगा, डिवाइन कह रहे हैं अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अपने आप को खड़ा करो खुद से। आपको यहाँ पर इस समय कोई और सपोर्ट नहीं देगा बाहर से आकर के, ठीक है। डिवाइन आपके साथ हैं, आप खुद हैं जो अपने आप को खड़ा करेंगे इस समय में। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने आप को खुद खड़ा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए मदद लेकर के बेसिकली यहाँ पर आ रहे हैं। मदद आने का मतलब क्या है, देखिए, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को आप बैलेंस कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, आपको सही राह दिखेगी, आपको सही पाथ दिखेगा, आगे का रास्ता आपको दिखेगा, चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आएंगी। तो यहाँ पर ना आपको धीरे 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 अब आगे बढ़ना है, जिसे कहते हैं ना कि दोबारा से आपको शुरू करना है। इस समय के लिए आपके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जीज आ रही है ना, वो यही है कि अपने ऊपर फोकस करें,
सेल्फ केयर, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना, आपको क्या आपके लिए क्या सही है, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, उस पर बेसिकली आपको फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब ये वक्त नहीं है कि जो भी आपको फेलियर्स मिले हैं, जो भी आपको हार मिली है, उनसे आप इनसिक्योर फील करें, उनसे आप अपने डर जाएं। अब वक्त है दोबारा से खड़े होने का, अब वक्त है कुछ बड़ा सोचने का और उस पर काम करने का। जिसे कहते हैं ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्या होती है, कि दोबारा से खड़े हो जाओ, ठीक है। आप दोबारा से खड़े हो रहे हो, हार करके फिर से दोबारा से खड़े हो रहे हो एक बहुत बड़ी जीत के लिए। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि ये वक्त जो है अब हार मनाने का नहीं है, डर जाने का नहीं है, इनसिक्योर होने का नहीं है, ये वक्त है दोबारा से खड़े होने का, एक न्यू बिगनिंग करने का, अपने अंदर उस साहस को लाने का, अपने अंदर उस करेज को लाने का। और इसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस समय जो है ना कैप्रिकॉर्न, आपको अपने रूट चक्रा पर फोकस करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा पर काम कीजिए, उसकी मेडिटेशन कीजिए, उसकी चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो जो आप सच्ची में चाहते हो, ठीक है। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना, उस पर आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। उसमें डिवाइन आपका यहाँ पर साथ देंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, पर उसके लिए आपको अपने आप को भी बैलेंस करना होगा इस समय में। ऐसा नहीं है कि आप एक्शंस ले रहे हो और आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, आपकी एनर्जी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। इस समय आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन इसलिए बोला जाता है, इससे आपकी सोच बदलती है, आपका मन शांत होता है। इस समय जो आपके अंदर थॉट्स इतने चल रहे हैं ना, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी लाइफ में मुझे अभी हार मिली, मैं इस चीज़ से नीचे गिरा या नीचे गिरी हूँ, तो मैं अब कैसे खड़े हूँ, वो थॉट्स सब बंद हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आप अलाइनमेंट में आते हो और आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हो और आप उसे फॉलो कर पाते हो। तभी आपका जब मन शांत होता है, आप अपनी आत्मा की वॉइस को सुनते हो, आपका माइंड भी स्थिर रहता है, तो वहीं आपका जो माइंड बॉडी स्पिरिट है ना, वो बैलेंस हो पाता है। और जब आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस हो पाता है, तब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हो और उसको फॉलो करते हो। तो यहाँ पर इस समय की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो यही है कि पहले तो शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, अपने से करनी है, ठीक है। इस समय कुछ वक्त के लिए ना आपके लिए रेस्ट बड़ा ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक फोर ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज मुझे डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी किसी चीज़ की ना जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी बस आपको एक फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में टैप इन करना है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, देन एक्शन लीजिए कि अब मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, अब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर क्या है, या फिर आप एक्चुअल में आपके ड्रीम्स क्या है, किसको आप फॉलो करना चाहते हो, उसको लेकर के जिसे कहते हैं ना प्लानिंग करना, ठीक है। फिर उस तरफ धीरे धीरे एक्शंस लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है इस समय। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, ओके। हाई प्रीस्टेस, आपके पास चॉइसेस बहुत आ रहे हैं, या तो इस समय ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास चॉइसेस, या आने वाले वक्त में आपकी तरफ आ रहे हैं। टेम्परेंस,
नाइन ऑफ पेंटिकल. माय गॉड, यहाँ पे डेथ का कार्ड ना अपने आप से ही मुझे ऐसे अपीयर हुआ, तो यहाँ पर मैं ये रख देती हूँ. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके. जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ट, बॉटम ऑफ द डेक है. माई गॉड, मैंने नाइन ऑफ वॉन्ट्स की बात करी थी ना, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ट्स. ये आपकी करंट ऊर्जा है, ये वही ऊर्जा है कि अब दोबारा से खड़े होने का वक्त है. आप बहुत इरिटेट हो चुके हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप जिसे कहते हैं ना कि बस परेशान हो जाना कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, वो होता है ना कि लोगों से दूरियाँ बना लेना, हर चीज़ से दूरियाँ बना लेना, अपने क्या कहते हैं ख्वाबों को छोड़ देना, ख्वाब लेना छोड़ देना, ये सोचना छोड़ देना कि हाँ मेरे लिए भी कुछ है, मतलब मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूँ. ये बेसिकली आप उस हार से भी आप आ रहे हो, समझ रहे हो आप. तो आप, आपकी ऊर्जा इस समय यही है कि आप लोग जो हो ना, आपने अभी सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दिया है, डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दिया है, ऊपर वाले के भरोसे आपने सब कुछ छोड़ दिया है कि हे ईश्वर जो होगा देखा जाएगा, आपके भरोसे मैंने छोड़ दिया है, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं. आपने जिस परिस्थिति में आपने डाला है, आप ही निकालने वाले हो, आप ही पर समर्पित हूँ मैं. तो वो अभी आपकी पूरी ऊर्जा उस पर है, आप डिवाइन से बस जिसे कहते हैं प्रार्थनाएं कर रहे हो, ईश्वर के भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे अभी आप चल रहे हो, और उनसे बस प्रार्थना ही कर रहे हो कि आप ही देखने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही ने करना है, आप ही ने सिचुएशन से निकालना है मुझे. और यस, आपके माइंड में है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, वो होता है ना कि मन में आपके आ रहा है, आपके माइंडसेट में वो चीज़ आ रही है कि मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, मैं इस तरफ आगे बढ़ता हूँ. बट अभी पूरी तरीके से ना आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप पूरी तरीके से जैसे अपने आप को रेडी फील नहीं कर रहे हो, डाउट्स बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है. ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए अभी फील हो रही है. और डिवाइन यहाँ पर आपको, और यस डेफिनेटली, क्योंकि ये जो डेथ कार्ड अपीयर हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में अभी कोई चीज़ है जो ख़त्म हुई है. एंड बिलीव मी गाइस, ये जो कार्ड अपीयर हुआ है ना आप लोगों के लिए, ये कार्ड यही बताता है कि इस चीज़ का ना आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये बेसिकली ये वो चीज़ थी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, आपके अच्छे के लिए नहीं थी, भले ही वो आपको नहीं दिख रहा था. ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके अच्छे के लिए ही हुई हैं, आपके लिए कुछ बुरा नहीं किया गया है. हो आपको भले ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो या नहीं आ रही हो, ठीक है, लेकिन डिवाइन सब जानते थे. दैट इज़ वाई वो चीज़ आपके उस सिचुएशन में आपको ये सब देखना पड़ा है, ठीक है. अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर आपको बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे साफ आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है कि आपके जीवन में ना अभी की स्थिति में या आने वाले कुछ समय में, मुझे बहुत से लोगों के लिए अभी की एनर्जीज़ मिल रही है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ढेर सारे ऑप्शंस आने वाले हैं. और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं भाई, आपको अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि इन ये जो ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, या फिर आपके लिए जो भी नई बिगनिंग्स आपके लिए बेसिकली आ रही हैं, क्योंकि आप अभी ऐसी ऊर्जा में हो नहीं कि आप उसको सही तरीके से ले पाओ. दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर ये आया था कि अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करो, पहले अपने आप को बैलेंस करो, पहले थोड़ा सा वक्त लो, पहले थोड़ा मेडिटेटिव मोड में जाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप को पहले ये समझाओ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है, या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ. बेसिकली उस एनर्जीज़ में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है, और उस तरफ आपको प्लानिंग करके पूरी तरीके से आपको एक्शंस लेने की यहाँ पर ज़रूरत है. और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी बार आपकी आपको ना इस समय यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ये सेकंड चांस दिया जा रहा है. तो इस समय आपको जो है इस सेकंड चांस को खोना नहीं है, ठीक है.
तो अभी तक शायद आपने जो आपका मन आपको बोला, आपका दिल आपको बोला, आपकी इंट्यूशन ने आपको जो गाइड करा, वो आपने नहीं करा। अब वक्त है उसको फॉलो करने का, ठीक है। अब ये वक्त आपको दोबारा से डिवाइन ने दिया है उसको फॉलो करने का। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर दो ऑप्शंस में स्टक हो सकते हैं। और ये ऊर्जा आपके लिए ये भी बता रही है कि जितना आप बैलेंस रहेंगे, जितना आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, जितना आप अपने माइंड बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करोगे, उतना आप अपने जीवन में सही पाथ को चूज़ कर पाओगे, सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, सही सही अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाओगे। लेकिन जितना आप भटकोगे, जितना सिर्फ आप एक चीज़ पर फोकस करोगे, डिस्ट्रैक्टेड होगे, लालच में आओगे, समझ रहे हो आप मेरी बात की, लालच में आपको नहीं आना। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फाइनेंसेस के बारे में मत सोचिए, आप जो चाहते हैं आप उसके बारे में पहले सोचिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें जो शॉर्टकट वाली चीज़ जो होती है ना कि हाँ ये शॉर्टकट है, इसमें बहुत पैसा हमें मिल जाएगा, ये जस्ट एक करियर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ का कोई भी बेसिकली एरिया हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लें कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्टकट है और अगर इस तरफ मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारी मनी को मैं अट्रैक्ट करूँगा, लेकिन असल में तो मैं कुछ और ही चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मनी तो मुझे इस शॉर्टकट से मिल रही है। तो कहने का मतलब उस शॉर्टकट को आपको नहीं, उस शॉर्टकट के साथ आपको नहीं जाना है, या फिर उस लालच में बेसिकली आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको बहुत इनकम मिलेगी या बहुत ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे एक्चुअल में आपकी बहुत ग्रोथ हो। तो इस चीज़ में ये बेसिकली मैं कहूँगी कि इस मूवमेंट पर ना अभी या तो इस स्थिति में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अर्जेंट मैसेज है, या तो अभी कोई ऐसी ऑफ़र आपकी तरफ आया हुआ है या फिर आने वाले समय में कोई आपके लिए आ रहा है, तो ये बेसिकली डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट होगा कि क्या आप लालच में बह रहे हो या फिर वाकई में क्या आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हो। तो ये चॉइस आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है, वाइजली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है किसी तरह के लालच में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है इस मोमेंट पर, और ये वक्त की रिक्वायरमेंट है। देखिए हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके ट्रांसफ़र के, आपके जॉब चेंजिंग के, आपके कंट्री चेंज करने के या सिटी चेंज करने के। बेसिकली जहाँ पर आप अभी ऑलरेडी हो वहाँ से कहीं दूर आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है, ठीक है। रीज़न कोई भी हो, रीज़न बिंग कोई भी हो सकता है, अभी ये करियर के अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर ये आपकी पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो हो ये कुछ भी सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी इस वक्त का ये जो शिफ्टिंग है, अच्छा ये चेंज बेसिकली आप में से आप लोगों में से ना ये भी हो सकता है कि ये जो अभी चीज़ें हुई हैं आप लोगों की, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चेंज से आपको घबराना नहीं है। डेफिनेटली ये चेंज, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा सा आपके डराने वाला है, आपको घबराहट देने वाला है, अनकंफर्टेबल है, बट आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि इस चीज़ में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों छुपी हुई हैं, ठीक है। बुरी चीज़ें तो आप देख पा रहे हो क्या कि चेंज हर किसी के लिए कम्फर्टेबल नहीं होता है, डेफिनेटली, ठीक है। कि अगर कोई जॉब आपकी छूट रही है, बिजनेस में लॉस आया है, या फिर कोई रिश्ते में कुछ दिक्कत आई है, ठीक है, या फिर आपको घर से शिफ्ट होना पड़ रहा है, डेफिनेटली एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट ये हो आपके अच्छे के लिए रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, यहाँ पर डिवाइन से डिसकनेक्ट तो नहीं हो आप, राइट, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, अपने ईश्वर से कनेक्टेड हो, तो वो आपकी इंट्यूशन तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर करेक्टली आपको बता रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की बात को समझो, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करो, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है इस समय जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको मैसेज दे रही है, उस पर डाउट्स मत लाइए, ठीक है, और आगे बढ़िए। इस समय कोई भी ना इमोशनल डिसीज़न मत लीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन, इमोशनल डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं,
ना ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, बस मैं कहूँगी सिंपल अपने दिल के साथ जाइए, ठीक है। आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, उसके साथ आपको जाने की ज़रूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिजेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने किसी पैशन को, किसी टैलेंट को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई टैलेंट है या फिर आप कुछ करना चाहते हो, उसके साथ आपको बेसिकली जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपके अंदर ना थोड़ा सा ये जो फियर आ रहा है, ये जो डर आ रहा है, ये जो थोड़ा सा झिझक सी जिसे कहते हैं ना कि आ रही है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है, वो एक्चुअल में इसी वजह से है कि आपको ऐसा लगता है आपको रिजेक्शन का कहीं ना कहीं डर लग रहा है। किसी सिचुएशन में रिजेक्शन का डर हो सकता है, या फिर आपको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि क्या मैं वो काम को ठीक से कर पाऊँगा या फिर वो ठीक से हो पाएगा। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बिटर स्वीट, आपके लिए ना कैप्रिकॉन एक मैसेज है यहाँ पर, आपका जो बुरा दौर था ना अब वो ख़त्म हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस समय डिवाइन यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो बुरा दौर है वो ख़त्म हो चुका है, ये आपको एक्सेप्ट करना है। अपने आप को संभालिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अब आपके जीवन में जो है वो शांति आ रही है, ठीक है, आप शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो आपका बुरा दौर ख़त्म हुआ है ना, इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और इस सिचुएशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अब अपने सोचने के नज़रिए को आप बिल्कुल शिफ्ट कर दीजिए। अब आपको बिल्कुल पॉजिटिव होने की यहाँ पर ज़रूरत है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी नई दुनिया में, आप समझ लीजिए कि एक नई दुनिया आपकी बनने जा रही है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग अब आपकी हो रही है, वो नए घर में आप टैप इन कर रहे हो, तो उसमें आप कैसी ऊर्जा को आप लेकर के जाना चाहते हो, कैसी एनर्जीज को आप लेकर के जाओगे, ठीक है, कैसे माइंडसेट को आप वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, तो उसी माइंडसेट में, उसी ऊर्जा में आपको यहाँ पर टैप इन करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं जो चीज़ ख़त्म होनी थी वो हो चुकी, अब आगे बढ़ो। रिन्यूअल, यस, बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, एक नई सुबह हुई है अब आपके जीवन में हो रही है और आपको बोला जा रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो, उसे एम्ब्रेस करो, उसके साथ बस जिसे कहते हैं ना कि मिल जाओ, उस एनर्जीज में आपको मिल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल नई सुबह आपके लिए यहाँ पर आ रही है और अपनी ऊर्जा को भी बिल्कुल आपको अब वैसा कर लेना है, ठीक है। अब आपको ना उस एनर्जीज में, ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में अब आपको नहीं रहना है, पास्ट को पीछे रहने दो, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। आपको नेचर में भी टाइम स्पेंड करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। गार्डनिंग का अगर आपको शौक है, आप गार्डनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, किसी गार्डन में, गार्डन एरिया में या फिर नेचर में बैठिए थोड़ी देर, वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ इस समय आपके लिए सूर्य बहुत रिक्वायर्ड है, सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जब सूर्य उदय होता है ना, एक घंटे के अंदर आप थोड़ी देर आप सूर्य की ऊर्जा आप ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं भी है तो आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है, सूर्य नमस्कार कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेड कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा, रेड एंड येल्लो कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए, ब्राइट। ग्रीफ, यस, ये तो आपको बोला जा रहा है, ये आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज होगा। ओ माय गॉड, ये आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज होगा ग्रीफ, तो इसे रिलीज़ करो ये इस समय, क्योंकि अभी आप, ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है कैप्रिकॉन, ठीक है, ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। आपको बोला जा रहा है कि इस ग्रीफ से बाहर आना है, इस दुख से आपको बाहर आना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें जा चुकी हैं, क्या ख़त्म हो गया है, उस चीज़ से बाहर आइए, क्योंकि आगे आपके लिए यहाँ पर ग्रोथ आ रही है और यहाँ पर रिकवरी की एनर्जीज है। लीजिए, रिकवरी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके लिए जो है एक्सपेंशन है। और एक ब्यूटीफुल सा कार्ड जो आप इतनी प्रार्थना यहाँ पर कर रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था, वो प्रेयर्स आपके जीवन को यहाँ पर बदल रही हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रही है, क्योंकि आपने सच्चे दिल से आप जो है यहाँ पे
प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो इसके लिए आपको भी ज़रूरी है, डिवाइन कह रहे हैं कि सिर्फ आपकी प्रार्थना ही इनफ नहीं रहेगी। प्रार्थनाएं तो आपकी सुनी जा रही है, पर आपको भी थोड़े एफर्ट्स यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा अपने आप को उठाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ से इस ग्रीफ को, इस दुख को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी था इस समय में सुनना गाइस। ठीक है, तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।